बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 189। ओके क्लास 8, आज हम पेज 189 पे थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, हम मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरम पढ़ेंगे, डैट इज़ थ्योरम 10.1.2। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको 10.1.1 में थ्योरम से रिलेटेड तमाम इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। ठीक है, आज हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इसे मार्क कीजिए, ये है आपका थ्योरम। ठीक है, और बुक पे आपका लिखा हुआ है 10.1.2। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट एंड द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो आप इसकी स्टेटमेंट अगर देखो तो आपसे कहा जाता है, अगर टू एंगल्स, ठीक है, एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हों। अब आपको मैंने कहा टू एंगल्स, एंगल्स के लिए मैंने आपको बताया था ये सिंबल होता है। ठीक है, ट्राई एंगल के लिए ये सिंबल होता है। कॉन्ग्रेंट मीन सिमिलर शेप और सिमिलर साइज, दो ऐसी फिगर, ये सिंबल यूज़ होता है। एंड साइड्स जब भी आप लिखोगे तो उस पर आपके पास स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेंट का सिंबल आएगा, आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने इस पर एक ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले हम लेंगे बेस। अगर हम बेस को देखें तो बेस हमारे पास हम ले लेते हैं, डैट इज़ बी सी। ठीक है, बेस हमने क्या ले ली, बी सी। तो हमने एक बेस ड्रॉ की, डैट इज़ बी सी। ठीक है, बी सी पे अब हम देखें तो हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैट इज़ वर्टिक्स ए। ए को आप बी से भी ज्वाइन कर दीजिए और ए को आप सी से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, डेट इज़ ए बी सी। तो आपने गिवन जो लिखना है वो क्या लिखना है, कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नेम क्या है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आपको वो कहता है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब दो एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आपने ले लेने हैं, एंगल बी और एंगल सी। तो आपने लिख देना है कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ऑपोजिट एंगल। तो फिर आपने प्रूव ये करना है, द ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। अब साइड्स देखो क्या है, ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी। तो आप लिखेंगे द साइड ए बी, फिर आप ए बी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है साइड ए सी के। ये आप प्रूव करोगे, ए बी कॉन्ग्रेंट ए सी। कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है कि जो एंगल ए है इसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो लाइन, उस लाइन को बाइसेक्टर कहते हैं। ये देखिए, ये लाइन इन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इधर आपको जिस पॉइंट पे ये आके मीट करेगी, इस पॉइंट को आपने पॉइंट डी का नेम दे देना है। ठीक है, अब ए डी इज़ द बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, एंगल ए हाफ यहाँ हो गया और हाफ यहाँ हो गया, एंगल ए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम जो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, कि ड्रॉ, आपने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ बाइसेक्टर किस का ड्रॉ किया, ऑफ एंगल ए का। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपने। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, मीटिंग, मीटिंग मीन जो मिल रहा है, किसको मिल रहा है, बी सी को, वो आकर पॉइंट डी पे मिल रहा है। मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी, बी सी को वो पॉइंट डी पर आकर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको नजर आता है आपकी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ए डी बी और एक ए डी सी। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इनकी हम स्टेटमेंट रीजन देखेंगे। एक ट्राइंगल हमारे पास बनी जी ए बी डी और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी ए सी डी। अब इसमें हमें कोई सी तीन बातें बतानी हैं जो कॉमन हो, ताकि हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, तीन बातें, ठीक है, विद रीज़न। अब तीन बातों में आपको पता है, इस ट्राइंगल की भी तीन साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की भी तीन साइड्स हैं। ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में एक ही एक जैसी है। तो ये देखिए, ये अब अगर आपके पास दो रूम्स हों ना, दो रूम्स में एक वॉल कॉमन हो, ठीक है, अगर एक ये रूम है एक ये रूम है, इन दोनों में कॉमन दीवार कौन सी है, कॉमन वॉल कौन सी है, ये वाली। इसी तरह एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, तो कॉमन इसमें क्या है, ये वाली। इसका नेम क्या है, ए डी। तो हम लिखेंगे ए डी कॉन्ग्रेंट ए डी। तो इसकी रीज़न हम देंगे कि ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, एंगल बी एंगल सी है इक्वल है, ये मैंने किस में कहा था, गिवन में कहा था। तो ये जो एंगल ए का हाफ एंगल ए यहाँ हो गया, हाफ एंगल ए यहाँ हो गया, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर किस में ड्रॉ किया था, एंगल बी ए की बात हो रही है, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट एंगल सी ए डी, ये मैंने किस में कहा था, कंस्ट्रक्शन में। तो क्या हुआ, आपकी तीन बातें पूरी हुई, तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। किस पोस्टुलेट से, ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या है, एंगल, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट से।
जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और रीजन दे सकते हैं हम कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं ये, कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं ये किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ना तो उनकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई सी तीन बातें बतानी होती हैं। देखिए, अब अगर ये दो डायग्राम्स हैं ना, इन दो डायग्राम सॉरी ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स में आप कोई सी तीन बातें बताओगे ना तो आपकी दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। एक ट्राइंगल ए डी बी है और एक ट्राइंगल ए डी सी है। अब सपोज़ आपके पास ये दो रूम्स हैं, ठीक है, इन दो रूम में आपको विद रीज़न कौन सी तीन बातें बताएं। आपको ये पता है कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। और ये मैंने किस में कहा था, ये मैंने गिवन में कहा था कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, तो ये मैंने गिवन में कहा था, ये हो गया गिवन। तो ए डी, ए डी ये कॉमन साइड है, ठीक है, और ये जो हाफ एंगल ए है और हाफ एंगल ए, यहाँ एंगल ए डिवाइड हो चुका है, और किस में मैंने डिवाइड किया था, एंगल ए मैंने कंस्ट्रक्शन में डिवाइड किया था। तो ये तीन बातें जब यहाँ हम लिखते हैं ना कि दो ट्राइंगल्स हमने ली, उनमें कोरस्पोंडिंग ले ली, कोरस्पोंडिंग मतलब तीनों में इसकी जो ए डी साइड है इसकी भी ए डी साइड है, तो ए डी साइड कॉमन हो गई, एंगल बी एंगल सी गिवन से हम उठा लेंगे, और एंगल ए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी ए डी और सी ए डी, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमने जो प्रूफ करना था दो साइड्स वो लिख दी, और हमने लिखा ये कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।